प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की देखेंगे। इसमें जो हम 60 क्वेश्चन देखेंगे जो कि होंगे जनरल अवेयरनेस, हरियाणा जी के, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग से। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है इसमें, सिर्फ 60 क्वेश्चन है, 30 नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद 10वीं सदी में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश की। आगे देखिए, श्रृंखला में गलत संख्या बतानी थी। तो देखिए, 3 7 हो रहा है, 3 दुनी 6 जमा 1 7, ये हो रहा है 7 दुनी 14 और प्लस 1 15। आगे होना चाहिए था 15 दुनी 30 प्लस 1 30 बनाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 63 भी ठीक आ रहा है कि 31 × 2 + 1, 2 1 2 3 6 62 + 1 63। तो जो इसमें गलत है वो है 27। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु सेड प्रिंटिंग इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड? किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर का उपहार बताया था? तो ये बताया था मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट है, आईपीएल 2019 का विजेता कौन बना था? तो मुंबई इंडियंस बना था, किसे हराकर? चेन्नई सुपर किंग्स को। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, अपनी स्थिति के कारण एक वस्तु में जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। आगे देखिए, बिना एक भी अंक दोहराए जो है कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य होंगी? तो देखिए, जिनके भी लास्ट में 5 आएगा वो सारी जो है 5 से विभाज्य होंगी, तो 20 जो है संख्याएं ऐसी बन जाएंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। प्राथमिक रंग बताना है, प्राइमरी कलर्स होता है RGB, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा का जिला जिस किसी मायना तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है वह है रोहतक। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो सबसे ज्यादा वन है पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में विधवाओं की दुर्दशा का वर्णन करता है? तो वो है यमुना प्रियटन, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज लाइव वायर, लाइव वायर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये है महाराष्ट्र में। हरियाणा में साल वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं? ये क्लेसर के वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काव्य जो था ये कुरुक्षेत्र में लिखा था। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण संबंधित है? तो वो है 124वां संशोधन विधेयक। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हरित तो उसको बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2010 में एक योजना शुरू की थी, वह थी पौधागिरी योजना। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये हरित आवरण बढ़ाने के लिए जो है हरियाणा सरकार ने 2018 में हरियाली योजना जो है सही आएगा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा की मतलब कहाँ की जगह को जो है दर्शाती है? तो ये जो चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के समय में, तो उसने लिखा था थानेसर के बारे में, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का एकमात्र तैराक कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इस वृक्ष को 3 मुख्य धर्मों में धार्मिक महत्व जो है माना जाता है, तो वो कौन सा है? मतलब राज्य वृक्ष बताना था हरियाणा का, तो वो है पीपल। शब्द लीडर के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 144। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया की प्रथम महिला अधिपति का मकबरा है। Who was the South Asia's first female monarch is in Kethal? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्लेव वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो दयाचंद मायना को। चौथा मुगल बादशाह कौन था? तो चौथा था जहांगीर। पहला बाबर था, फिर हुमायूं, फिर अकबर और फिर जहांगीर। नेक्स्ट है, ग्रीसम ओलंपिक 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये होंगे टोक्यो जापान में। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जो अभियान कौन सा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नहीं,
जूल में एक कैलोरी कमान कितना होता है? 4.184 जूल, फर्स्ट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस मेक यूज ऑफ सेंसर्स, फर्स्ट ऑप्शन सेंसर्स आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल ओवर द इंटरनेट? तो इसके लिए यूज करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का. कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है ये यमुनानगर जिले में स्थित है. HCP संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है. निकल ब्रास, निकल पितल कोर क्या कहा जाता है? जर्मन सिल्वर भी कहा जाता है. अगला देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द इनडेंजर्ड बंगाल टाइगर इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये है उत्तराखंड में. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय चैनल पर यूनिट टाइम इज यूनिट रेट कह लीजिए, या इसको बिट रेट भी बोलते हैं, डाटा रेट भी होता है. ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है. 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी सिकंदर खान ने. ओके, नेक्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटर हेतु शीतलक में क्या होनी चाहिए? द रेफ्रिजरेटर फॉर ए रेफ्रिजरेंट फॉर ए रेफ्रिजरेटर शुड हैव, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हाई लेटेंट हीट हो जाएगा, सी ऑप्शन. द होली लेक दैट ब्रह्मा कंसीव्ड द अर्थ एट दिस प्लेस इज ब्रह्मसरोवर. कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? पंडित निकिराम शर्मा. किन संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में WTO कार्य कर रहा है? तो गेट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, द पावर डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर, बी ऑप्शन जो है सही होगा. नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया? तो ये मिला है सेलेस्टियल बॉडीज को, सी ऑप्शन. अक्षरों अंकों और विभिन्न चिन्हों के संकलन को क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स डिजिट पंचुएशन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स. स्टोन टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक एज आर फाउंड इन पिंजोर, सही हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन है, आई एम हर चाइल्ड क्वेश्चन टैग बताना था, तो इसमें आर नॉट आई हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा. नेक्स्ट है, सिडनी इज ए ब्यूटिफुल सिटी. फाइंड आउट द एरर पार्ट ढूंढना में, अनलेस वन इज इंटेलिजेंट नथिंग वॉज टॉट, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, मे बी इसका आंसर जो है बी हो सकता है. ठीक है, लेकिन डाउट में है क्वेश्चन. अगला है, ग्रामेटिकली करेक्टली बताना था, तो अमीर वेंट टू गोवा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्पीड कैमराज विल अपियर ऑन मेजर रोड, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. आगे देखिए, अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताना है कि क्या है ये. सलमा वर्कड हार्ड एंड गॉट हर सेल्फ प्रमोटेड, तो हर सेल्फ क्या है इसमें? प्रोनाउन है. फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल, आई डू इट वट एवर हैपन, आई विल डू इट वट एवर हैपन्स. चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द सेंटेंस, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन मुंबई, तो चाइल्डहुड जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. ओके, आगे देखिए, हिंदी के क्वेश्चन है, कौन सी है जो परिभाषा नहीं है संज्ञा की? संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं, वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा व्यक्ति के नाम को कहते हैं. तो ये नहीं है कि व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध संज्ञा कराता है, ऐसा नहीं कराता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? यह होता है अनपढ़ मनुष्य के लिए जो है यूज की जाती है लोकोक्ति. गुड़िया शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा गुड़िया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जन शब्द में सत उपसर्ग लगाने से कौन सा जो है शब्द बनेगा? तो देखिए कैसे बनता है, सत जमा जन आपने पढ़ा होगा संधि में, फिर बनता है सज्जन. तो इसी तरीके से उपसर्ग होता है, तो इसमें सत उपसर्ग लगने से क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि चंद्रिका सोम और विधु. तो देखिए, शशि चंद्रिका और विधु ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची, सोम जो है वो किसका होता है? अमृत का होता है पर्यायवाची, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, महाजमा उत्सव क्या होगा? ये महोत्सव लिखा हुआ है तो नहीं, इसमें महोत्सव है, ये भी गलत हो जाएगा, महोत्सव भी नहीं होगा, महोत्सव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. तो महाजमा उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा. ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. तो ये था जेई का सेकंड शिफ्ट का पेपर. और अगर आपको कोई गलती लगी तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अदरवाइज जो हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी जो है मिस्टेक ना हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.